ने 70% लोगों ने कहा है चुनाव लड़ो, टिकट की कोई जरूरत नहीं है। 30% लोगों ने कहा है भाई टिकट की कोशिश कर लो, तो कोशिश होंगी भी जारी रहेगी हमारी टिकट लाने की। अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या तो मैं अगर आगामी विधानसभा चुनावों में पलवल का मुकाबला रोचक होता दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां कांग्रेस के प्रबल दावेदार करण सिंह दलाल माने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के टिकट पर पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने रविवार को महापंचायत कर कांग्रेस से चुनाव लड़ने का ऐलान कर एक बार फिर से पलवल की राजनीति में हलचल मचा दी है। बता दें सुभाष चौधरी इनेलो से पलवल विधायक रह चुके हैं। पिछले कई सालों से वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक पंचायत को संबोधित करते हुए क्या बोले सुभाष चौधरी, आप भी सुनिए। 70% लोगों ने कहा है चुनाव लड़ो, टिकट की कोई जरूरत नहीं है। 30% लोगों ने कहा है भाई टिकट की कोशिश कर लो, तो कोशिश होंगी भी जारी रहेगी हमारी टिकट लाने की। तो सर किस तरफ झुकाव रहेगा, भाजपा या कांग्रेस? अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या? तो मैं अगस्त के लास्ट में सितंबर के शुरू में एक बड़ी पंचायत जो आज फैसला हुआ है इसी पंचायत के मुताबिक कि चुनाव लड़ो उस बात को रखेंगे। वहाँ कोई अड़चन आएगी चुनाव ना लड़ने की तो ना लड़ेंगे, और वहाँ अड़चन आ गई 5-4 हज़ार लोग इकट्ठे करके पंचायत समझ सेठ की, जो बहुत से साथी आज भी रह गए जो मेरे पे कहा नहीं गया बुलाया नहीं गया, उन सब से माफ़ी मांगते हुए बड़ी पंचायत की जो पड़ेगी टिकट ना मिलने पे तो बड़ी पंचायत जोड़ेंगे। आज से मैं मेरे साथी जो यहाँ आए हैं सबको आपके द्वारा संदेश दे रहा हूँ, जो नहीं आए वो चुनाव लड़ने की तैयारी करें। सुभाष चौधरी को आप सबने आज सारे सरदारों ने बुजुर्गों ने सब आशीर्वाद प्यार दिया है और कहा है कि चुनाव लड़ने की तैयारी। कांग्रेस में तो पहले ही प्रत्याशी हैं, करण सिंह दलाल अपने आप को प्रत्याशी कह रहे हैं और बीजेपी में भी एक लंबी लिस्ट है प्रत्याशियों की, फिर ऐसी स्थिति में कौन सी जगह चुनाव लड़ोगे? मैं आप सब बहुत समझदार हैं, जब इन बातों को आप पूछा तो मुझे शर्म किया, आप सब पुराने लोग हैं। लिस्ट पे तो जिन्हें कोई सरपंच ना बना रहा हूँ उनके नाम भी, अब आप मैं कहूँ इनको फिर वो भग जाएंगे, नाराज हो जाएंगे मेरे से, और आपने उनको जवाब जरूर करना कि लिस्ट तो आपको भी पता है, लिस्ट तो बना दे अपने पोस्टर टांगले चल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।